अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे नीम को, और उसके लिए मैंने दाल को भिगो के रखा हुआ था 5 से 6 घंटे। इसको भिगोए रखा है, उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, ये नरम हो चुकी है। इसको हम एक कपड़े में जो है वो डालेंगे, उसको जो है वो ढाँप देंगे और इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे ताकि ये इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। खैर मैंने बाद में इसको पंखे के नीचे भी थोड़ी देर रखा था 5 मिनट, क्योंकि सर्दी है तो जल्दी खुश्क होती नहीं है कपड़े में। और फिर बाद में हमने घी जो है वो गर्म कर लेना है। घी गर्म हो जाए तो इसमें हम जो है वो दाल, अब ये घी गर्म हो चुका है बिल्कुल, अब इसमें हम दाल डालेंगे। और दाल को डालने के बाद इसको जो है हमने हिलाते रहना है वक्फे वक्फे से, क्योंकि अगर एक जगह रहेगी तो कहीं से ये पक जाएगी और कहीं से जो है वो कच्ची रह जाएगी, तो फिर वो बिल्कुल बिना मज़ा नहीं आएगा। सो इसलिए इसको बार वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है। और इसके पकने की निशानी ये है कि ये जब पक जाती है, बन जाती है, तो ये ऊपर आ जाती है, घी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। और वैसे भी आप चम्मच लाएंगे ना, तो ये देखिए ऊपर आने लग गई है। और ये चम्मच आप हिलाएंगे आपको आवाज़ आने लग जाएगी, खनखनाहट सी इसमें से महसूस होने लग जाएगी। अब इसको निकालने के लिए ज़ाहिर है तो किसी और इस तरह का कोई चम्मच ले लें जो ईज़िली इससे निकल जाएगी, ठीक है। और इसको हम जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी दाल। इसमें हम लोग जो है वो इसमें हम थोड़ी सी टाटी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी सी। उसके अलावा चाट मसाला, और फिर बाद में नमक डाल लेंगे हसबे ज़रूरत, ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा बस जायके के लिए। और जो है ज़ीरा पाउडर डाल लेंगे, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस गर्म गर्म दाल में आपने डालना, ठंडी करके नहीं डालना, फिर ये जो मसाला है वो साथ नहीं चिपटेगा। तो आप लोगों ने इसको गर्म गर्म में लगाना है। और ये देखें इतनी मज़ेदार सी दाल जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप लोग भी बनाएं और इन्जॉय करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।